हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। सीआरपीएफ द्वारा लगभग 1412 पदों पर हेड कांस्टेबल के लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है 6 स्टेज में होगा। पहले स्टेज में जो है रिटेन एग्जाम होगा, दूसरी स्टेज में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, थर्ड स्टेज में जो है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, पीईटी बोलते हैं जिसे, और फोर्थ स्टेज में जो है टेस्टिमोनियल चेकिंग टेस्ट होगा, और पांचवी स्टेज में आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और लास्ट स्टेज में जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगी जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो बात करते हैं स्टेज वन रिटेन एग्जामिनेशन की। तो रिटेन एग्जामिनेशन जो है ओएमआर बेस्ड होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो है रिटेन एग्जाम स्टेज वन में 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा और पेपर के टाइमिंग जो है 3 घंटे की होगी। इसमें जो है आपसे कक्षा 12 के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसमें जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग और न्यूमेरिकल अवेलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लैंग्वेज कम्प्रेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और न्यूमेरिकल अवेलिटी से 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। वहीं पर प्रोफेशनल नॉलेज से आपसे 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 70 क्वेश्चन होंगे। वहीं पर लैंग्वेज कंप्रेशन और कम्युनिकेशन स्किल से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर के। टोटल पेपर जो है 160 नंबर का होगा, जिसमें 160 क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं स्टेज टू की, जिसमें फिजिकल मेजरमेंट होगा। अगर हाइट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है। वहीं पर गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट के लिए, इसमें पुरुष कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और महिला कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तथा बाकी सभी जो शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट है उनके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब बात करते हैं सीने की, जो केवल मेल कैंडिडेट का नाप आ जाएगा। इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाया, फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर गढ़वाली, कुमाऊनी, मराठा, डोगरा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सबके कैंडिडेट के लिए 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर, तथा सभी शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद स्टेज थर्ड की बात करें, जिसमें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। इसमें पुरुष कैंडिडेट को 100 मीटर रेस पूरी करनी है 16 सेकंड में, उसके साथ साथ 1.6 किलोमीटर रेस पूरी करनी है 6.5 मिनट में, और लॉन्ग जंप करनी है जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे 12 फीट की। वहीं पर हाई जंप जो है 3 फीट 9 इंच की होगी, जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। अब महिला कैंडिडेट की बात करें तो इनको 100 मीटर रेस जो है 18 सेकंड में पूरी करनी है, और 800 मीटर रेस जो है 4 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप जो है 9 फीट की होगी, जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे, और हाई जंप जो है 3 फीट की होगी, जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। वहीं पर स्टेज फोर की बात करें तो इसमें टेस्टिमोनियल चेकिंग होगी। इसमें आपसे जो कैंडिडेट रिटेन एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास होंगे, उन लोगों का टेस्टिमोनियल चेकिंग होगा। स्टेज फोर जो है मेडिकल एग्जामिनेशन है, इसमें आप लोगों का मेडिकल एग्जाम होगा। उसके बाद स्टेज फाइव है, जिसमें आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जो कि मेरिट लिस्ट जो है 220 नंबर की टोटल होगी। जैसे स्टेज वन से 160 नंबर और स्टेज टू और थ्री से जो है 20-20 नंबर, और स्टेज फोर से जो है 20 नंबर होंगे। जो कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट होंगे उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट का LDCE कोर्स होगा जो कि 2 साल के लिए होगा। जिन लोगों को फॉर्म फिल करना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप वहां से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फॉर्म को कैसे फिल करना है इसका वीडियो मैंने बनाया है, स्टेप बाय स्टेप आप उसको देखकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फॉर्म भरने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।